Hey guys and welcome back with another new video. So, आज हम लोग फिर बात करने वाले मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में। आज जो गाड़ी हमारे पास है वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले चेवरोलेट स्पार्क के बारे में। सो ये गाड़ी जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रखा है। एक्चुअली ये परफॉर्मेंस के लिए बना है, लुक के लिए इतना इसमें कुछ काम किया नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रखा है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात भाई, इंस्टाग्राम में अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितना भी पोस्ट वगैरह जो भी आता है मैं इंस्टाग्राम में सबसे पहले डालता हूँ। सो गाइस चलिए शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो में से। ओके हम लोग पहले शुरू करेंगे तो इंजन में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे क्या लगा है भाई, ये फिल्टर कौन सा ब्रांड का है? K&N का। ये K&N ब्रांड का है और इस पे इसका स्टिकरिंग भी किया हुआ है। तो भाई ये कितना में परचेस किया है इसको? इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था 1000 में। ऑनलाइन इसको 8000 रुपीज में परचेस किया था। और भाई ये मतलब कितना दिन हो गया इसको परचेस किए हुए? 3-4 महीना। 3-4 महीना हो गया और ये भाई अभी भी ओके है? ओके भाई। इसके वजह से माइलेज में क्या मतलब इफेक्ट आया है? माइलेज कुछ कमा है या फिर थोड़ा तो कम होगा भाई? हाँ भाई, फिल्टर लगाने से माइलेज का थोड़ा सा इशू आता है तो ये माइलेज कम गया है थोड़ा सा। और बाकी इंजन देख सकते हो आप, पूरा स्टॉक कंडीशन में। इसको हेडर कुछ भी मतलब चेंज नहीं किया है। बाकी ये गाड़ी का जो एक खासियत है वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि इस पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड देता है। वो भाई एग्जॉस्ट कौन सा ब्रांड का है? HKS ब्रांड का एग्जॉस्ट है। तो भाई एग्जॉस्ट में कितना कॉस्ट आया उसका? 5000। उसका भी 5000 रुपीज का कॉस्ट आया। तो भाई हम लोग अभी उसका साउंड भी आपको सुना देंगे। तो सबसे जो मेजर इसमें मॉडिफिकेशन था वो ये था कि HKS का एग्जॉस्ट लगाया है और ये Canon का फिल्टर लगाया है ना, ये दो मतलब अच्छा मतलब मॉडिफाई करके रखा है। तो इसका साउंड जो है वो भी मैं आपको सुना के दिखाऊंगा। पहले मैं इधर से एक साउंड लूंगा, उसके बाद में जो एग्जॉस्ट जो जहाँ पे खत्म होती है उधर से एक मतलब साउंड उसका रिकॉर्ड करूंगा। तो भाई सबसे पहले गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर दो। तो गाइस ये गाड़ी का एग्जॉस्ट। हाँ अभी इसका इंजन में इंजन खोला है तो मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूँ। इसपे मतलब क्या लगाया हुआ है, ये मतलब टो स्ट्रिप लगाए हुए। कौन सा ब्रांड का है भाई? मोमो ब्रांड का है। और इसका कितना प्राइस आया? इसका 400 रुपीज का इसका प्राइस है। इसको क्या ऑफलाइन लिया या फिर ऑनलाइन लिया? ऑनलाइन लिया। कहाँ से लिया भाई? अमेजन से। हाँ भाई मैंने भी इसको अमेजन से परचेस किया है। मेरा सिर्फ स्पार्को वाला है, बाकी ये मोमो का है। और भाई ये जो आपने DRL लगाया ये कितने का आया भाई? ये 8500 बोथ साइड का मिला के। और हेलोजन में कुछ मॉडिफिकेशन क्या है क्या इसका? ये स्टॉक ही है। और बाकी इस पे स्प्रे क्या है या फिर स्प्रे क्या है ना इसको मतलब थोड़ा सा ब्लैक जो स्मोकी फिनिशिंग दिया है वो दिया गया है। और भाई ये मतलब इसका नाम क्या बोलते हैं, मतलब ये टेलीस्कोपिक मैट्रिक्स दिया है। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो गाड़ी के इंटीरियर में आती है आपको दिखेगा ये येलो सा एक स्ट्राइप लगा हुआ है। तो भाई ये येलो स्ट्राइप जो लगा हुआ है ये क्या मतलब क्या है, मतलब एम्बिएंट लाइट? क्या लाइट है भाई? एम्बिएंट लाइट। हाँ तो एम्बिएंट लाइट जो है ये भाई रात में ही ज्यादा नजर आता है, अभी तो मतलब हम लोग को इतना दिखेगा नहीं। और ये जब रात में रात का जो व्यू होता है वो भी मैं आपको दे दूंगा एक, आप मतलब मैं भाई से जो क्लिप लेके मैं आपको वो भी दे दूंगा, उसमें भी आप देख रहे हैं। तो भाई ये पूरा मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इधर से मतलब दरवाजे से शुरू होके मतलब पूरा डैशबोर्ड से जाके मतलब फिर उधर मतलब उस दरवाजे पे खत्म हो रहा है। तो भाई इसका क्या प्राइस आया है? इसका 800 रुपया। आप पूरा मतलब जितना भी इंस्टॉल करके सब कुछ करके 800 रुपया मतलब लिया है भाई। इंटीरियर में ये जो गियर नॉब है इसको भी चेंज किया। तो भाई ये कौन सा ब्रांड का गियर नॉब है? स्पार्को। ये स्पार्को का गियर नॉब है। और इसको कितना में परचेस किया है भाई? इसको 1800 रुपीज में परचेस किया है। तो भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा है, ये कितना दिन हुआ इसको लगाते हुए? इसको हो गया 2-3 महीने। 2-3 महीना हो गया, मतलब अभी भी वैसा ही है, सेम कलर है, इसका कुछ इशू नहीं आ रहा है। और ये बहुत सॉफ्ट हो गया, बहुत शिफ्टिंग। म्यूजिक सिस्टम में जाते हो तो ये स्टीरियो जो है इसका ये स्टॉक है। और बाकी इधर में जो आपका स्पीकर जो लगा हुआ है ये मतलब कौन सा ब्रांड है? स्टॉक है। और भाई पीछे में बेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए गाड़ी के पीछे की तरफ। तो पीछे में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे लगा हुआ है पायोनियर का बेस्ट ट्यूब जो कि इस पे ऑटो एम्पलीफायर है ना भाई, इस पे मतलब एम्पलीफायर लगाने का जरूरत नहीं है। ये मतलब इधर ही एम्पलीफायर भी इस पे लगा हुआ है ना एक्स्ट्रा करके, लेकिन इस पे तो ऑलरेडी रहता है शायद मेरे हिसाब से।
नहीं रहता है, तो ये वाला मॉडल में मतलब एम्पलीफायर जो है वो नहीं आता है, तो इसको एक्स्ट्रा करके लगाया गया। तो ये कितना वाट का है एम्पलीफायर? 500 वाट का है। और ये जो बेस्टिव है ये कितना वाट का है? ये 1300 वाट का है। और इसका भाई प्राइस कितना है एम्पलीफायर का? प्राइस कितना है? 5500। और बेस्टिव का कितना प्राइस आया था? 6000 रुपीज का। और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं स्पीकर में, तो स्पीकर भाई ये कौन सा ब्रांड का स्पीकर है? ये निपोन का है। ये निपोन का है। और उसका भाई कॉस्टिंग कितना आया था? 3000 रुपीज का इसका कॉस्टिंग है। ये 400 वाट का है मेरे हिसाब से। और इस पे हम लोग म्यूजिक जो है वो भी मैं आपको सुना के दिखा दूंगा। फिर हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के बैक साइड में, तो बैक साइड में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस पे जो नंबर प्लेट है इसको मतलब कस्टम करके लगाया गया। ये जर्मन फॉन्ट है ना भाई, इसको कहाँ से बनाया? इसको लोकली बनाया यहाँ पे, लोकली बनाया इसको। और इसका कितना प्राइस है फ्रंट साइड का और बैक साइड का मिला के? 1500 रुपीज का इसका टोटल कॉस्टिंग आया। और भाई नीचे में जो एग्जॉस्ट लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये HKS का एग्जॉस्ट है जिसका साउंड मैंने आपको सुनाया हुआ है, फिर भी मैं इसका साउंड जो है वो एक बार फिर से मैं डाल दूंगा, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो इसका एग्जॉस्ट जो है उसका कितना प्राइस आया था भाई? ये 5000 रुपीज का इसका कॉस्ट आया था। और इसका साउंड जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैंने इसको सुना है, तो आप भी इसको एक बार सुन लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। बाकी इसका ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो इसका रूफ रेल जो है स्टॉक ही लगा हुआ था ना? नहीं, स्टॉक ये रूफ रेल जो स्टॉक लगाया था। और बाकी इस पे जो ब्लैक रूफ जो है वो किया गया है? हाँ, ब्लैक रूफ किया गया है। बाकी फिर हम लोग आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, तो साइड में मतलब टायर वही स्टॉक टायर है ना भाई? स्टॉक टायर, हाँ स्टॉक टायर और स्टॉक रिम है। बाकी इस पे सिर्फ व्हील कैप जो है व्हील कैप लगा। व्हील कैप को कलर किया है या फिर ब्लैक ही आया? ब्लैक ही है, ब्लैक ही मतलब इसको परचेज किया है। फिर हम लोग आ जाते हैं इसकी फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट साइड में जो LED है ये मैट्रिक्स का है ना भाई? हाँ, मैट्रिक्स DRL बोलते हैं इसको। हाँ, जेनोन का है। और इसको ऑनलाइन परचेज किया है? ऑनलाइन नहीं है, इसको ऑफलाइन। हाँ, इसको ऑफलाइन परचेज किया है। और ये बहुत ही बढ़िया लुक सारा है गाड़ी का। और बाकी जो हेडलाइट है ये मतलब स्टॉक हेडलाइट है, ठीक है। और फिर हम लोग इंडिकेटर इसका ऑन करते हैं, तो आप भाई इंडिकेटर और DRL भी एक बार ऑन करके दिखा दो। फिर भाई हम लोग आ जाते हैं इसकी बंपर की नीचे की तरफ, तो बंपर में भाई ये समुराई का लिप लगा है ना? हाँ, समुराई का बॉडी लिप बोलते हैं इसको। हाँ, बॉडी लिप लगाया हुआ है। तो भाई इसको कितने में परचेज किया है? इसको 1000 रुपीज में। और इसको खुद ही इंस्टॉल किया है? खुद ही इंस्टॉल। हाँ, इसको खुद ही इंस्टॉल किया है मतलब। और इसमें जो है बार लाइट भी लगाया हुआ है ना भाई? हाँ, बार लाइट भाई कितने का आया? ये 3000 रुपीज का। इसको ऑनलाइन परचेज किया है? हाँ, इसको ऑनलाइन परचेज किया है। और एक भाई इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि ये जो चेवरोलेट का जो ये स्पार्क है ना, ये स्पार्क गाड़ी मतलब हर कोई मतलब रखना नहीं चाहते है ना इसे। हाँ। आपके हिसाब से ये गाड़ी कैसा है भाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाड़ी है भाई। इसका जो मेंटेनिंग है वो थोड़ा जरूरी होता है, मेंटेनिंग जो है वो थोड़ा जरूरी होता है। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हो तो ये बहुत ही अच्छी है अपने हिसाब से, है ना? फोर सिलेंडर का ये गाड़ी है भाई। मारुति में देखो कोई भी गाड़ी जो है अल्टो वगैरह जो भी होता है वो फोर सिलेंडर नहीं आती, लेकिन छोटी गाड़ियों में ये जो है फोर सिलेंडर इसको ऑफर करती है। और इसका पावर जो है या फिर BHP जो है वो बहुत ही अच्छा है, और इसका एक्सेलरेशन भी बहुत ही अच्छा है ना। तो भाई ऐसे गाड़ी को मेंटेन करना और मतलब इसको संभाल के रखना, मॉडिफाई करना, ये बहुत ही अच्छी बात है।